डायलॉग्स आए भी नहीं, वो सरप्राइज पैकेज है। मैं इस फिल्म में ब्रज भाषा बोलती हूँ, बाबू मशाई में बिल्कुल अलग डायलेक्ट था, वो मेरा यूपी का, यूपी बिहार का एक बॉर्डर का डायलेक्ट था, ये अलग डायलेक्ट है। यहाँ मैं राजस्थान की लड़की हूँ और ये काफ़ी डरी सहमी सी लड़की है जिसकी शादी हो जाती है, हस्बैंड उसे पीटता है, फिर वहाँ एक खून हो जाता है, उसका शक इस लड़की पे आता है, तो वो जो है माया, मैं जिसका कैरेक्टर निभा रही हूँ, तो वो बचने की कोशिश करती है। ये है स्टोरी, बिल्कुल अलग है कि कॉमन बस एक ही चीज़ है कि वो साड़ी में थोड़ा देहाती लुक है बस, और कुछ कॉमन नहीं है, बिल्कुल अलग कैरेक्टर। स्क्रिप्ट का जो ज़रूरत है, एक बोल्ड फिल्म है जिसमें एक वुमन सेंट्रिक फिल्म है जहाँ औरतें मतलब रिवोल्ट करते हैं, उसका और एक तरीका है, मोस्टली औरत दे यूज़ द सेंसुअलिटी टू टेक रिवेंज, ऐसा भी होता है, तो है फिल्म में बोल्ड कैरेक्टर्स, बोल्ड सीन्स है, तो ठीक है। देखिए ऑडियंस को जो देखना होता है वो देख ही लेते हैं, ऑडियंस काफ़ी समझदार हैं, चालू हैं। नहीं देखिए, ये कोशिश तो है कि अगर यूए सर्टिफिकेट मिल जाए, पर है कि काफ़ी गालियां हैं, तो ए मिलेंगे हमें पता है, फिर भी कोशिश जारी है। हमने अलग भी डबिंग किए हैं, जहां गालियां हैं वहां थोड़ा अल्टरनेट डबिंग भी किया है, कोशिश चालू है कि यूए सर्टिफिकेट मिले। इसके के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। अब यहां इस लड़की का नाम माया है, अब वो भी माया के जाल में फंसी हुई है, अब पूरी लाइफ ही देखा जाए तो माया है। अब ये बहुत स्पिरिचुअल बातें हैं जो मैं करना नहीं चाहती। हमारे फिल्म से रिलेटेड जो है कि ये एक सस्पेंस थ्रिलर है, ये माया की जर्नी है और मोक्ष की भी जर्नी है। मोक्ष एक 10 साल की लड़की है, उसके साथ भी बहुत सारे हादसे होते हैं, ये उसका भी जर्नी है। ये उस पुलिस इंस्पेक्टर की जर्नी है जो जिसे शक है कि माया ने शायद एक खून किया है। इस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट की झंडा लेके नहीं आते हैं, पर एक सटल मैसेज तो है कि महिलाओं को आप जैसा जितना वीक समझते हैं वो ऐसा है नहीं, जो दिखते हैं वो ऐसा है नहीं, दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम किया है। मेरी एक फिल्म है श्रेयस तलपड़े के साथ, अमिताभ वर्मा डायरेक्टर हैं, उसका नाम है 3-2-5, और एक फिल्म है टी फॉर ताजमहल, ऐसे काफ़ी सारे फिल्म्स हैं। सर्टिफिकेट ए ही मिलेगा, दैट इज़ व्हाट वी नो, और हम लोग को कई सीन्स नहीं काटने बिकॉज दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मूवी। सो आई कुड ओनली थिंक ऑफ विदिता इन दिस रोल, ये मेरा कॉल था, बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस के और कोई मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है कि somebody else could do. Of course, I did see Bandook Baaz, मुझे तब से ये बहुत पसंद आई है, एंड शी इज़ अ परफॉर्मर, शी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब, शी हैज़ प्रूव कि आपने कास्टिंग जो की वो सही, शी हैज़ बीन अ वंडरफुल पर्सन, डाउन टू अर्थ, कोई टेंट्रम्स नहीं, उसे आगे जाना है, एंड अमेजिंग काम दिया है, लाइक जैसे ऑडियंस भी देखेगी पिक्चर, शी हैज़ प्रूव्ड हरसेल्फ। यहाँ पर ये फिल्म जो है विदाउट एनीथिंग, स्क्रिप्ट के डिमांड के बगैर कुछ भी नहीं ठूसा गया है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप फिल्म देखेंगे। मैं जो बोल आज स्टेटमेंट दे रहा हूँ या कल जब फिल्म रिलीज़ होगी, कोई वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे इसमें। जो भी कुछ किया गया है स्क्रिप्ट को दायरे में रह के, उसी को समझ कर, और जो कुछ डिमांड थी स्टोरी की वही किया गया है। अगर 1.5 मिनट का सीन था तो 1.5 मिनट ही रखा गया है। ऐसा नहीं कि हम लोग फिल्म बेचने के चक्कर में, बहुत लोग होते हैं कि मसाला ठूस दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने स्क्रिप्ट के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। हमारे पास जो स्क्रिप्ट, जो स्टोरी हमने पसंद की थी, वो एग्जैक्टली वही पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। इट्स अ वुमन सेंट्रिक फिल्म, यू नो, इट इज नॉट ऑलवेज इजी दैट सच काइंड ऑफ नैरेटिव कम्स योर वे, जहाँ पे मेन एक जो लड़की है वो मेन लीड है ही, और जिसके जरिए कहानी चलती है, और साथ में ये पुलिस ऑफिसर, वो भी एक फीमेल पुलिस कॉप है, और इसमें यू नो देयर इज थ्रिलर एंड देयर इज टू मेनी टर्न्स एंड ट्विस्ट्स, सो एक और दो फीमेल्स में एक टकराव है इमोशंस का, सिचुएशंस का, नहले पे दहला, दहले का एक खेल चलता रहता है, सो इट वाज यू नो नाइस पैकेज। देखिए हमारी फिल्म को ए सर्टिफिकेट ही मिलेगा, हमारी फिल्म को ए सर्टिफिकेट ही मिलेगा, क्योंकि यूए की गुंजाइश है नहीं। ये फिल्म जो है ये एक बच्ची की कहानी जर्नी है, जो 10 साल की बच्ची का जर्नी, मतलब उसके साथ क्या क्या हालात आते हैं, क्या क्या सिचुएशन आते हैं, और उसको क्या क्या समझौता करना पड़ता है,
तो उस समझौते में बहुत सारी कहानियाँ आएगी, तो इसलिए मुझे नहीं आया कि ये मिलेगा, ये ही मिलेगा। मैंने जब ये कहानी लिखना शुरू की तो कभी कभी कुछ ऐसे साधारण से लोग होते हैं हमारे लाइफ में जिनके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते हैं कि उनके इतने लेयर्स इतने रूप होते हैं। तो बेसिकली ये कहानी है एक लड़की की जो एक छोटे से गांव की है, जो साड़ी पहनती है, हम एक औरत को हम भाभी या बहन माँ एक सर्टेन उन्हीं चीज़ों में ही हम एक सीमित कर देते हैं, लेकिन एक औरत में बहुत रूप हैं और जितने रूप हैं कोई आज तक ना समझ सका है ना समझ सकता है।